नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल द मनोज में। और आज हम बात करने वाले हैं कि पीएम किसान की वेबसाइट में एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, और वो अपडेट क्या है मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहला जो अपडेट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहले KYC का डेट था ये 31 यहाँ पर जुलाई कर दिया गया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि 31 मई था पहले, यहाँ पे 31 जुलाई कर दिया गया है। 2 महीने का समय यहाँ पे बढ़ा दिया गया है KYC के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे किसान थे, लगभग 50 से अभव किसान थे जो कि ये KYC नहीं कर पाए थे। अब बात करें कि किन किन लोगों को पीएम किसान का पैसा अभी आया है, किन लोगों को नहीं आया है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपका पैसा नहीं आया है तो हम आने वाले वीडियो में आपका जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करके आपके बैंक अकाउंट में पीएम किसान का पैसा किस तरह से मिल सके, मैं उस पर वीडियो में चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि आपको कौन से काम करने होंगे जिसके कारण आपकी पीएम किसान के पैसे मिलने वाले हैं। तो ये एक सबसे बड़ी अपडेट थी, यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे कि पीएम किसान का जो भी KYC का डेट है 31 जुलाई 2022 कर दिया गया है, और आप 31 जुलाई तक आप KYC कर सकते हैं। KYC करने का दो तरीका है, आप सभी लोग जानते हैं कि पहला जो भी है, देख सकते हैं यहाँ पे पीएम किसान पोर्टल और नियरेस्ट CSE सेंटर, माई वी कॉन्टैक्ट फॉर बायोमेट्रिक वैसेड KYC डिटेल्स ऑफ KYC फॉर ऑल द पीएम किसान बेनिफिशरीज हैज़ बीन एक्सटेंड टेल 31 जुलाई 2022, यानी कि 31 जुलाई 2022 तक आप KYC कर सकते हैं। आप चाहे तो खुद से भी KYC कर सकते हैं। खुद से KYC करने के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि पीएम किसान का जो भी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट में KYC का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो उसका वेबसाइट यहाँ पर खुल करके आएँगे KYC करने के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर क्लिक किया है, और आप जैसे यहाँ वेबसाइट में ओपन होगा KYC करने के लिए, तो आप यहाँ से KYC कर पाएंगे। हमें यहाँ पे ओपन करके आपको दिखा दे रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लेट हो रहा है क्योंकि वेबसाइट थोड़ा स्लो वर्क कर रही है। और अगर आप CSE से करना चाहते हैं तो आप CSE सेंटर, जहाँ पे आपका नियरेस्ट CSE सेंटर पड़ता है, वहाँ पर जा करके आप KYC करा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी बिल्कुल यहाँ पे इस वेबसाइट ज़्यादा फास्ट वर्क नहीं कर रही है, जिसके कारण यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है। अभी देखिए आपके सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है, यहाँ पे OTP वेसेड KYC। तो यहाँ पे आधार नंबर आपको फिल करना है, इसके बाद सर्च करना है, और इसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, इसके बाद OTP आएगा 4 अंक का, फिर आधार का OTP आएगा, इसके बाद आप सबमिट करेंगे तो फाइनली आपका KYC कम्प्लीट हो जाएगा। अगर आप KYC करना चाहते हैं खुद अपने मोबाइल से, तो उस पर वीडियो बन चुका है, हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। और जो भी आवाज़ का प्रॉब्लम है, क्योंकि हम यहाँ पे बिल्कुल रोड के सामने में रहते हैं, मेरा दुकान है, जिसके कारण आवाज़ में थोड़ा जो भी गाड़ी का पार यार होते हैं उसका साउंड आ जाता है रिकॉर्ड करते समय। तो चलिए फिर हम बात करेंगे अगले वीडियो में कि किस तरह से आपका जो भी पीएम किसान का पैसा नहीं आया उसका आप किस तरह से ला सकते हैं या क्या करना होगा, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, बाय।